हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज दोस्तों डिटेल्स के साथ मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट के क्वेश्चंस की। लास्ट का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी कहाँ से विधायक हैं? तो ये खटीमा से विधायक थे। रिकॉर्डिंग शंकर किसके ऊपर लिखी हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? ये शंकर महादेवन जी के ऊपर लिखी गई है। अभी हाल ही में इसने एक अवार्ड जीता है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? रजनीकांत जी को। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड या कहें जीटी रोड, इसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 149 साल पुरानी दरबार मूव परम्परा खत्म कर दी गई? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में थी दरबार मूव परम्परा, 149 सालों से चली आ रही थी, अब इस परम्परा को खत्म कर दिया गया है। ये परंपरा क्या होती है? तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा, जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, एक श्रीनगर एक जम्मू। श्रीनगर जो है ये ग्रीष्मकालीन या कहें समर कैपिटल हुआ करती है, और जम्मू जो होती है ये विंटर कैपिटल होती है, यानी शीतकालीन राजधानी होती है। तो होता क्या था, 1872 में वहाँ के एक डोगरा सम्राट थे महाराजा गुलाब सिंह, इन्होंने राजधानी स्थानांतरित करने की एक परंपरा शुरू की। मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती थी तब ये लोग जम्मू से श्रीनगर की तरफ चले आते थे, फिर उसके बाद जब गर्मी आती तब ये जम्मू शिफ्ट हो जाया करते थे। ठीक है, तो ये परंपरा 1872 से ही शुरू थी, चल रही थी, और 149 साल पुरानी हो चुकी थी ये परंपरा, दरबार मूव परंपरा, और अब इसे बंद कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है। किसने इसकी घोषणा की है? वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अब फिलहाल दरबार मूव परंपरा बंद कर दी गई है। अभी बात करें तो अभी 8000 से 9000 कर्मचारियों को इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ता था, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाया करती थी। चलिए तो अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ रिलेटेड पॉइंट्स जो अभी पिछले दिनों में आए थे। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने दोस्तों अभी हाल ही में एक सुकून नाम से हेल्पलाइन शुरू की है, सुकून हेल्पलाइन। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नाम से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में सक्षम नाम की पेंशन छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है। तो ये तीनों पॉइंट रिसेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर से। क्लियर, जम्मू कश्मीर दोस्तों 5 अगस्त 2019 को संसद से, भारत की संसद से इसके विशेष राज्य के दर्जे को छीन लिया गया, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। आगे चल करके 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी ऑफिशियल तरीके से घोषित कर दिया गया, आधिकारिक तौर से घोषित कर दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है वहाँ की, और जबकि लद्दाख में वहाँ की विधानसभा नहीं है। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। अब वर्तमान में भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अच्छा, जब ये दोनों यूनियन टेरिटरी बने थे, केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी बनाए गए, और वो वर्तमान में अगर पूछा जाए कहाँ पर हैं तो वो भारत के 14वें कैग के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब लद्दाख के कौन बनाए गए थे? लद्दाख के राधाकृष्ण माथुर जी बनाए गए थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। जम्मू कश्मीर दोस्तों जब राज्य हुआ करता था तब इसने सबसे लास्ट में जीएसटी अपने राज्य में लागू करवाया था, यानी जीएसटी लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। सबसे पहला राज्य असम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त दोस्तों नियुक्त किए गए हैं कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। कौन? कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये नए लोकायुक्त होंगे, अगले 3 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये त्रिपुरा के तीसरे लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये इससे पहले वकील थे, और वकील के रूप में, वकील के बाद ये लोकायुक्त बनने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं त्रिपुरा में। ओके, त्रिपुरा के पहले लोकायुक्त की बात करें तो प्रदीप कुमार सरकार जी थे पहले लोकायुक्त त्रिपुरा के। लोकायुक्त क्या होता है, या कहें लोकपाल क्या होता है? देखिए लोकपाल समझिए, उसके बाद लोकायुक्त आपको समझ में आ जाएगा। लोकपाल क्या होता है, जब सरकार जो होती है, जो सरकार चल रही होती है सेंटर में, ठीक है, केंद्र सरकार जो चल रही होती है, तो सरकार की नीतियों में ये चेक करना कि भ्रष्टाचार कहाँ पर हो रहा है,
भ्रष्टाचार को चेक करने के लिए एक एक कहें कि स्वायत्त संस्था बनाई गई है जिस पर सरकार का कोई प्रेशर ना हो। तो इसके लिए एक ऐसी संस्था बनाई गई है या एक ऐसी बॉडी बनाई गई है जिसका काम होता है सरकार में भ्रष्टाचार को देखना, चेक करना, इसकी जांच करना, ठीक है। तो इसे लोकपाल कहते हैं, कई देशों में इसे ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है, लेकिन भारत में इसे लोकपाल ही कहेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लोकपाल ही बोलेंगे। अच्छा, स्वीडन था पहला देश लोकपाल वाला सिस्टम लाने वाला। लोकपाल पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप ज्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा लोकपाल पर पूरा इतिहास, ठीक है। लोकपाल में दोस्तों जो लोकपाल का एक निकाय है, जो बॉडी बनाई गई है भारत में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अभी 2019 में इसका गठन किया गया, ठीक है, 2019 में इसका गठन किया गया। इसमें दोस्तों आठ मेंबर्स हैं और उसका एक अध्यक्ष होता है, आठ मेंबर्स का, तो टोटल 9 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो 8 मेंबर होते हैं इसमें 4 ज्यूडिशियल मेंबर होते हैं और 4 नॉन ज्यूडिशियल मेंबर होते हैं, यानी 4 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो या तो वकील रहे हों या फिर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह रहे हों, ठीक है, और 4 जो होते हैं वो नॉन ज्यूडिशियल मेंबर होते हैं। तो इनकी एक बॉडी बनाई गई है जिसका काम होता है भ्रष्टाचार की जांच करना। भारत में पहले जो लोकपाल हैं वो भारत के कौन हैं, पिनाकी चंद्र घोष जी भारत के पहले लोकपाल हैं। अब बात करते हैं लोकायुक्त की। देखिए, लोकपाल तो ये सेंटर की बात हुई, ऐसे ही राज्यों में भी, राज्य सरकार भी है तो राज्यों में भी होना चाहिए, तो ऐसे ही राज्यों में जो होता है उसे लोकायुक्त कहते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का लोकपाल कौन है तो आप बताएंगे पिनाकी चंद्र घोष जी, और जो राज्य आएंगे राज्यों के लोकायुक्त पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप उनका नाम बताएंगे। चलिए, अब आया है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में जानेंगे। त्रिपुरा देखिए मैप में दोस्तों यहाँ पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा ये एक्चुअली में तीन तरफ से पूरा करता है बांग्लादेश को, ठीक है, यानी बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ये दोस्तों 21 जनवरी 1972 में स्थापित हुआ था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीन राज्य जो है पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन नियम अधिनियम के तहत जोड़े गए थे 21 जनवरी 1972 को, ठीक है, 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है, ये अपना बॉर्डर मिजोरम से और असम से शेयर करता है। इधर बांग्लादेश राज्य से तीन तरफ से घिरा ही हुआ है। यहाँ की राजधानी है अगरतला। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव बीजेपी पार्टी से, गवर्नर हैं रमेश बैस जी। अच्छा दोस्तों, जो भारत के राज्य हैं इनका ये जो वाला जो पेज है इसको मैं अपडेट करवा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से आपको अब मिलने वाला है इसमें झीलें, दर्रे, नेशनल पार्क्स, लोक नृत्य, ये सारी चीज़ें ऐड करवाई जा रही हैं, ठीक है, ठीके? और चीफ जस्टिस के भी फोटोज़ वगैरह के साथ आएंगी, बहुत ही अच्छे से आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी उस पर काम चल रहा है। त्रिपुरा वाला अभी पूरा हुआ नहीं था, इस वजह से ये पुराना पेज मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। त्रिपुरा हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अकिल कुरैसी। कौन है? अकिल कुरैसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन बनी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पीएसबी बन गई है दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन? इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी अब बन गई है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसने पीएनबी को पीछे कर दिया है, पंजाब नेशनल बैंक इससे पहले थी सेकंड पर, फोर्थ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्लियर, ये तीसरे पर थी, अब चौथे पर आ गई है। अब देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ये 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके पास, ठीक है, एक्चुअली में देखा जाए तो 51,000 करोड़ के आसपास है, और ये दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बन गई है। लिस्टेड का क्या मतलब होता है? लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट की गई हो, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक यानी पब्लिक सेक्टर की बैंक यानी कि सरकारी बैंक है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक यानी कि निजी क्षेत्र की बैंक है, और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी बैंक है। तो देखिए, सरकारी बैंक में सबसे बड़ी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड पर है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड पर है पंजाब नेशनल बैंक और चौथे पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। टोटल कितनी बैंकें हैं सरकारी? टोटल दोस्तों भारत में 12 सरकारी बैंकें हैं, ठीक है, अभी 10 बड़े बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंकों में किया गया था और टोटल तब 12 बैंकें बची हुई हैं। तो दोनों पॉइंट पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, 10 बड़े बैंकों का विलय जब हुआ था तब भी मैंने आपको दी थी, ठीक है, कब हुआ था विलय? ये 1 अप्रैल 2020 को हुआ था, 1 अप्रैल 2020 को हुआ था, तभी वीडियो दी गई थी। 12 जो बची हैं सरकारी बैंकें इस पर वीडियो दी गई है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, हेडक्वार्टर है ये चेन्नई में, सीईओ है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। कौन है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति सीमा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी?
तो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों LIC का जो अध्यक्ष होगा अब उसकी सेवानिवृत्ति की सीमा यानी रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। कितना कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई है। तो LIC के अध्यक्ष अभी कौन है? MR कुमार, तो ये अपनी एज के 62 वर्ष पूरे होने पर अब रिटायर होंगे। अभी आपको याद होगा इनका कार्यकाल भी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो फिलहाल अब जब तक अगर अगली नियुक्ति नहीं होती है, अगर इनको नियुक्ति से पद से हटाया नहीं जाता है, तब ये अपनी उम्र की मैक्सिमम 62 वर्ष तक की उम्र तक ये रहेंगे LIC के अध्यक्ष। इसको दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ विनियमन 1960 में संशोधन करके चेंज किया गया है और अब लाया गया है नया नियम यानी भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ विनियमन 2021। यहाँ पर 2021 कर देना आप, ठीक है, जो नया आया है इसमें संशोधन किया गया है 1960 वाले में, क्लियर। अच्छा, भारत सरकार की जो भी दोस्तों गवर्नमेंटेड जो भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की, उसमें आप मैक्सिमम सुना करते होंगे कि 60 वर्ष ही जो है वो रिटायरमेंट की एज हुआ करती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ करके, ठीक है। तो उसी में LIC भी था, लेकिन अब LIC के अध्यक्ष की समय सीमा जो है लिमिट जो है रिटायरमेंट की एज जो है वो 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। LIC आया है, LIC पिछले कई दिनों से लगातार आ रहा है। LIC के बारे में जानिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर है मुंबई में और अध्यक्ष हैं MR कुमार जी। अभी LIC से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनका कर लेते हैं रिवीजन। LIC ने दोस्तों अभी हाल ही में सरल पेंशन योजना शुरू की है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको इसको समझाया था। LIC ने अभी EPGS नाम का एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, EPGS नाम का। इसके अलावा LIC के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया ही गया था। LIC दोस्तों ये भारत की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है और दुनिया में इसकी ओवरऑल रैंक है 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है ये। और सबसे मजबूत ब्रांड के बारे में बात करें तो भारत में सबसे मजबूत ब्रांड है और ओवरऑल तीसरी रैंक है इसकी सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने दोस्तों यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस लॉन्च किया है। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं UDISE+, ठीक है। तो इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, ये स्कूली शिक्षा पर बेस्ड एक रिपोर्ट है और इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार से इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये रिपोर्ट दोस्तों सर्वे पर बेस्ड है, इसमें 15 लाख से अधिक स्कूलों, 9.6 मिलियन से ज़्यादा टीचर्स और 264 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स, इन सब पर सर्वे किया गया और इसके बाद फिर ये डेटा जारी किया गया, ये रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशनल प्लस नाम का ये रिपोर्ट है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2018-19 से हुई थी और इस बार 2019-20 पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निपुण भारत मिशन शुरू किया? तो निपुण भारत मिशन भी शुरू किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। निपुण भारत मिशन, निपुण का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये दोस्तों भारत में बेसिक जो लिटरेसी है और न्यूमरेसी है उस पर एक यूनिवर्सल इक्वेशन को सुनिश्चित करने के लिए, एक ऐसा कल्चर डेवलप करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, निपुण भारत मिशन। किसने शुरू किया? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, कब? 5 जुलाई 2021 को, यानी कल, वर्चुअली रूप से, ठीक है, वर्चुअल तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IEA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक कितने गीगावाट जल विद्युत परियोजनाओं को जोड़ेगा? तो IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार बताया गया है कि भारत जो है ये 2030 तक 26 गीगावाट, कितना, 26 गीगावाट तक के जल विद्युत परियोजनाएं यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जोड़ने वाला है। अभी भारत की क्षमता कितनी है? अभी अगर बात किया जाए तो भारत अभी दोस्तों 46,209 मेगावाट पर ही स्थित है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मामले में, लेकिन ये 26 गीगावाट, मेगावाट के बाद आता है गीगावाट, ठीक है, एक गीगावाट बराबर होता है 1000 मेगावाट। तो 26 गीगावाट तक का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला है भारत, कब तक? 2030 तक। एक्चुअली में भारत के मैक्सिमम प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, 9000 मेगावाट से अधिक के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं अभी काम चल रहे हैं इस पर, ठीक है, पेंडिंग में है। जल्दी ये सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और धीरे धीरे भारत बढ़ जाएगा 26 गीगावाट के अपने टारगेट को पूरा करने की तरफ।
ये रिपोर्ट दोस्तों IEA के द्वारा जारी किया गया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है हाइड्रो पावर स्पेशल मार्केट रिपोर्ट एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2030। क्लियर। अभी अगर पूछा जाए आपसे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसके पास हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं चाइना के पास। चाइना फिलहाल 2030 तक सबसे बड़ा जल विद्युत बाजार बना रहेगा, यानी इसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन होता रहेगा। अच्छा, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है क्या, बार बार नाम आ रहा है। देखिए दोस्तों, बिजली उत्पादन के दो तरीके होते हैं, एक तो आप कोयला से उत्पादन कर लो, एक दोस्तों जल विद्युत परियोजना होती है जिसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, जिनके माध्यम से जो होता है, जो बांध वगैरह होते हैं ना, बांध होते हैं, डैम होते हैं, उन पर बड़े बड़े टर्बाइंस मोटर्स वगैरह लगा करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को कहा जाता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी दोस्तों चाइना ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया, स्थापित किया है, अभी न्यूज़ में आया था। पहला भी चाइना के ही नाम है, दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है चाइना के पास ही है। ठीक है, पहला दूसरा दोनों चाइना के पास है। क्लियर। और हाँ दोस्तों, जनवरी से जून 2021 तक की करंट अफेयर की बुक बहुत पसंद की जा रही है स्टूडेंट के बीच में। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो इस बुक को ले लीजिए, और इस बुक को लेने का आप ऐसे ही समझ लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई सी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है करंट अफेयर का। अगर पिछले 6 महीने से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है आपका। जनवरी से जून 2021 तक का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जिनको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में ले सकते हैं, जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले सकते हैं। इन केस आपने गलती से एक दूसरे लैंग्वेज में ले लिया है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप में आपकी लैंग्वेज के अनुसार ई बुक भेज दी जाएगी। ठीक है, आपको MZT10 कोड यूज़ करना है, MZT ऐप पर जाकर के 17% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको ई बुक लेने में, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ई बुक मिलेगी मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है उनके लिए लिंक भी मैंने बना करके दे दिया है इंस्टामोजो को, आप वेबसाइट से भी जाकर के इसे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने। तो अभी हाल ही में दोस्तों सतीश अग्निहोत्री जी को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। सतीश अग्निहोत्री जी काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन हैं ये रेलवे में। ठीक है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL के ये नए MD बन गए हैं। इनके पास मेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन में यानी इसको एग्जीक्यूट कराने में 20 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। NHRCL के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। सतीश अग्निहोत्री दोस्तों इसके बनाए गए हैं MD। और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है या चेयरमैन कौन है, तो वो हैं दोस्तों सुनीत शर्मा। कौन? सुनीत शर्मा, ये भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले विनोद कुमार यादव जी थे। अच्छा, विनोद कुमार यादव जी को इंजीनियरिंग अवार्ड भी मिला था, इंजीनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने वर्षों का प्रतिबंध लगा। तो भारतीय रेसलर सुमित मलिक पर दोस्तों 2 वर्षों के लिए डोपिंग के लिए लग गया है बैन, प्रतिबंध। डोपिंग मामलों में ये पाए गए फेल। ठीक है, किनके द्वारा बैन लगाया गया है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा इन पर बैन लगाया गया है। ये अभी विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में दोस्तों ये डोप टेस्ट में फेल पाए गए, और हालांकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तो कर लिया था लेकिन ये डोप टेस्ट में फंस गए हैं, तो फिलहाल 2 सालों के लिए इन पर लग गया है प्रतिबंध। अच्छा, ये डोपिंग होता क्या है? देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में बात करें तो किसी भी मटेरियल में कोई अशुद्धियाँ मिला दी जाए तो उसे डोपिंग कहते हैं। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो उसमें अशुद्धियाँ मिलाने की जो तरीका होता है उसे डोपिंग कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक में अगर डोपिंग जब हुआ करता था तब उसमें देखिए आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अगर डोपिंग कर दी जाती थी तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी। अब इसको रिलेट कीजिए यहाँ से, अगर कोई खिलाड़ी है वो कोई ऐसे प्रोडक्ट का या ऐसे मादक पदार्थों का यूज कर लेता है जिसकी वजह से खेल में उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से उसको डोपिंग कहा जाता है उस पूरे प्रोसेस को, यानी अशुद्धि वो भी मिलाया अपने अंदर, कोई दूसरी चीज़ मिलाया और इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, तो इसे इस कला को कहा जाता है डोपिंग। ठीक है, तो डोपिंग टेस्ट होता है, हालांकि बाद में ये चेक करने के लिए कोई खिलाड़ी कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं यूज़ कर रहा है, डोपिंग टेस्ट में जो फेल होता है उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा। तो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों जयपुर में बनेगा, पिंक सिटी जयपुर राजस्थान, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इसके लिए BCCI ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को दोस्तों 100 करोड़ रुपए की फंडिंग भी की है।
इससे बातचीत भी चल रही है, तैयार हो गया है। 24 से 30 महीनों में ये बनकर भी स्टेडियम तैयार हो जाएगा, ठीक है, यानी अगले 2 से 2.5 सालों में ये बनकर के स्टेडियम तैयार हो जाएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में ही है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है, दुनिया का है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम था, यहीं पर तो डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ था। इसका नाम अभी हाल फिलहाल में चेंज करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, इसको आपको याद रखना चाहिए। बीसीसीआई आया है, बीसीसीआई दोस्तों भारत में क्रिकेट का कंट्रोल बोर्ड है, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर है ये मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है। प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली जी। इसके सचिव हैं जय शाह। जय शाह जो हैं ये गृह मंत्री अमित शाह जी के हैं बेटे। और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। कौन है? राजीव शुक्ला हैं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष। क्लियर। चलिए तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप दोस्तों किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर हिंदी पूछी जाती है, तो अब आप हिंदी में 100% स्कोर कर सकते हो। आपको हिंदी के वीडियो कोर्स में फुल चैप्टर्स वाइज चैप्टर मिलेंगे, वीडियोस, फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे हर एक चैप्टर के, और हर एक चैप्टर का फुल डिटेल नोट्स दिया जा रहा है। तो आप जाकर के फ्री में डेमो क्लास ले सकते हैं। अभी बहुत सारे चैप्टर्स जो अभी आ गए हैं उनको आप पढ़ करके तैयार भी कर सकते हैं। अगर आप ठान लेंगे दोस्तों तो इस वीडियो कोर्स के माध्यम से मात्र 10 दिनों में आप पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोज के माध्यम से। कई भी बार वीडियो एक्सेस कर सकते हो, 2 साल की आपके पास वैलिडिटी मिल रही है, कितनी भी बार देख सकते हो वीडियो, ठीक है। 299 में ये वीडियो कोर्स है, जाकर के परचेज कीजिए MZT ऐप पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अगला, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय महिला T20 क्रिकेट की कप्तान कौन है? रूस की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लिखोगे जरूर, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की। वीडियो आप देख लियो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो, क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में क्विज सॉल्व कीजिए, वो भी फुल डिटेल्स के साथ। वहीं पर आपको डिटेल PDF भी भेज दी जाएगी। PDF आपको ऑनलाइन के रूप में हमारे टेलीग्राम पर भी भेज जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे ज्वाइन हो सकते हो। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।